बोर्ड की परीक्षा संपन्न शांतिपूर्ण परीक्षा पूरी होने पर मथुरा में शिक्षा विभाग ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई। मथुरा में बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली। मथुरा में करीब 76,000 छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। 24 मार्च से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की शुरू हुई परीक्षा बुधवार को पूरी हो गई। मथुरा में 152 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा में 76,653 छात्र छात्रा सम्मिलित हुए। 24 मार्च से 13 अप्रैल तक हुई परीक्षा के दौरान मथुरा में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने राहत की सांस ली। बोर्ड परीक्षा में नकल के लिए बदनाम मथुरा में इस बार कड़ाई का असर देखने को मिला। 21 दिन तक चली परीक्षाओं के दौरान यहां 3 मुन्ना भाई समेत 5 नकलची पकड़े गए, जिनके खिलाफ अधिकारियों ने विभिन्न थानों में FIR दर्ज कराई। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में नकल के पेपर आउट होने की या किसी अन्य तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। जनपद को 5 जोन 16 सेक्टर और 152 स्ट्रेटेजिक सेक्टरों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। CCTV कैमरों का एवं ऑडियो का रिकॉर्ड के जरिए पूरा परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी गई, जिसका नतीजा यह रहा कि बोर्ड परीक्षा जनपद में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सर, कैसी रही बोर्ड परीक्षाएं? जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद मथुरा में वर्ष 2022 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में संचालित की गई, और इसमें हमारे यहाँ हाई स्कूल में 42,944 बच्चे और इंटरमीडिएट में 33,709 बच्चे बैठे। कुल 76,653 बच्चे ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी परीक्षा के दौरान 3 प्रॉक्सी कैंडिडेट पकड़े गए और 2 कैंडिडेट नकल करते हुए पकड़े गए। कुल 5 अनफेयर मीन्स में परीक्षार्थी पकड़े गए, जिनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR करके उनकी गिरफ्तारी भी करवाई गई है। और परीक्षा को जैसे कि बीच में एक घटना हुई, बलिया में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी का पेपर का प्रकटन हुआ, जिसके कारण वो परीक्षा निरस्त की गई, और वह परीक्षा अब 13 तारीख को आज ही के दिन संचालित की गई है। इस प्रकार पूरी परीक्षा की एक चुनौती के रूप में रही है जनपद शिक्षा विभाग के लिए, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि परीक्षाएं 152 सेंटरों में पूरी तरह से अच्छी ढंग से संचालित हों। इस दौरान हाई स्कूल के लगभग 4,000 से अधिक बच्चों ने और इंटरमीडिएट के 3,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा को छोड़ा भी है, जिससे दृष्टिगत होता है कि परीक्षा में कड़ाई की गई है और परीक्षा नकलविहीन और शुचितापूर्ण कराए जाने का प्रयास किया गया है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये परीक्षा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उनके सहयोग और मार्गदर्शन के कारण ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। हम लोगों ने पूरे जनपद को 5 जोन में बांटा था, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, और 152 सेंटरों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। और ये प्रयास किया गया था बच्चों को सरल और सुगम वातावरण में नकलविहीन और सुचितापूर्ण परीक्षा देने में कठिनाई ना हो। सर, इस बार की परीक्षाओं में क्या खास देखने को मिला? देखिए, इस बार की परीक्षाओं में सबसे पहली चुनौती जो थी पेपर आउट होने के बाद, चुनौती पेपर की सुरक्षा को लेकर थी। मुरादाबाद में एक घटना हुई कॉपियों को लेकर, तो कॉपियों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मेन रूप से इसमें प्रयास ये किया गया कि जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहिबान हैं वो दोनों पालियों में वहाँ उपस्थित रहें और उनकी देख रेख में ये परीक्षा संचालित की जाए। चारों तरफ से जनपद की सीमाएं कई अन्य प्रदेश की सीमाओं से भी लगती हैं, जिसके कारण वहां से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं और वहां से भी प्रयास किया जाता है इसको परीक्षा में विघ्न डालने का। तो ओवरऑल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनपद मथुरा के सभी निवासियों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से और छात्रों के सहयोग से, विभाग के शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाचार्यों